प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आशीष सर आपके लिए आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वर्कशीट नंबर 39 क्लास आज की आपके 9th सब्जेक्ट हिंदी है। तो आज हमारा है रचनात्मक लेखन में, तो बहुत ही मजेदार आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज कुछ नया सीखने वाले हैं और नया ही नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए आप लाइक, क्योंकि आपके लिए छोटा सा लाइक है लेकिन हमें ये आपका लाइक बहुत ही अच्छा लगता है, आपका प्यार भरा सपोर्ट हमें मिलता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर अपना नाम आप बिल्कुल ना लिखेंगे, एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल, नाम, आईडी, क्लास सेक्शन सब यहाँ पर लिखेंगे आप, और जो आपके हिंदी पढ़ाते हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ये तो है जनरल सी चीज़। तो चलिए मैं यहाँ पर बता दूँ, आज की वर्कशीट हमारी 2 अक्टूबर की, और 2 अक्टूबर को आपको बताया कि गांधी जी का जन्मदिन है। तो आप सभी को गांधी जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक होमवर्क है आपके लिए कि आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को ही एक महान हस्ती ने भी जन्म लिया था 1904 में। वो महान हस्ती कौन थे? तो चलिए हिंट्स दे देता हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया। तो उनका नाम साथ में उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर लिखेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो ये होमवर्क आपने जरूर करना है, उनका नाम ढूंढ के लिखना है कि वो कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वर्कशीट है, और सबसे पहले आप यहाँ पर ये 8 पिक्चर हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और ये पिक्चर देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर डाल देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 पिक्चर आपके सामने हैं। अब इन्हीं पिक्चर्स को आपने ध्यान से देखना है और इन पिक्चर से आपने स्टोरी बनानी है। पहले तो आप इन्हें सीरियल वाइज लगाएंगे, क्योंकि ये सीरियल तो इनको हमने दे रखे, लेकिन इनकी एक्चुअल सीरियल क्या है वो, ताकि एक कहानी बन जाए। तो यहाँ पे देखो, ताकि एक छोटी सी कहानी बन जाए, प्यारी सी सीरियल वाइज लगाना है। और दूसरी चीज, नीचे कुछ संकेत भी दे रखे हैं, तो संकेत आप देख लो एक बार। ये संकेत है, संकेत का यानी आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं। इसी से प्रेरित तो इनके खिलाफ आंदोलन किया, डिब्बे से निकाल दिया गया, काफ़ी बहस की गई, गांधी जी ट्रेन के प्रथम डिब्बे, इस तरह से देखो सामान के साथ ट्रेन से बाहर। तो ये आपके लिए एक हिंट्स है, यानी कि जो आप कहानी बनाओगे उस कहानी में ये सारे सेंटेंस होने चाहिए। तो मैं आपके लिए कहानी भी बनाऊंगा, लिखूंगा भी, आप उसी से देख सकते हैं। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये तो वर्कशीट का सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते, मेरे सेक्शन में, तो आपके लिए पहला सवाल रहेगा। क्या वो आपको करना ही करना है कि यहाँ पर आप अगर ये आपकी पिक्चर जैसे 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, सपोज करो, अब इसका रियल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पहला वाला क्या है, ये पहला ही नंबर है, यानी कि पहले वाले पिक्चर में पहला नंबर, दूसरे वाला पिक्चर आपका 6 नंबर का है, चौथा क्या है वो तीसरा 4 नंबर का है, चौथा 3 नंबर का है, ये पाँचवा वाला 5 नंबर का है, ये छठा वाला 7 नंबर का छठा, ये सातवां वाला 8 नंबर का है, और ये आठवां वाला 2 नंबर का। यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और आठवां। तो इस तरह से ये आपके पास पहली है सवाल है। तो ये क्रम तो मैंने आपको बता दिया, अब हम क्रम के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने और हमने, मैंने भी महात्मा गांधी को इसी पोजीशन, पोशाक में देखा, यानी कि चश्मे पहने हुए हैं और उनके सर पे हमने मतलब बाल नहीं देखे हैं, जो पिक्चर हमने देखी है। लेकिन क्या आपने इन महात्मा गांधी को भी देखा? ये तो ये पिक्चर आप हैरान हो जाओगे, ये भी महात्मा गांधी जी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोट है, उनके टाई लगाया हुआ है, साथ में बाल देखो। अगर उस टाइम अगर जेल होता तो महात्मा गांधी जी जेल का यूज़ करके हनी सिंह भी बन सकते थे। यानी कि इस वाले पिक्चर से कैसे महात्मा गांधी इस पिक्चर तक पहुंचे? तो चलिए अब हम पिक्चर से कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ेदार, कुछ नया आप भी इसमें जोड़ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहली पिक्चर है, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो कि महात्मा नहीं थे, ये थे वकील। तो वकील गांधी से किस तरह से महात्मा गांधी बने? तो वकील गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, वो पहली पिक्चर हमारी ये है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वकील गांधी किसी काम के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका जाना चाह रहे थे, जाना था उन्हें, और वो ट्रेन, दूसरा ये है दूसरी पिक्चर, तो इसमें जोड़ना है कि वो ट्रेन से उन्होंने अपने सफ़र को तय करना चाहा।
तो दूसरी पिक्चर वो ट्रेन से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाना था, तीसरी पिक्चर ये है, तो उन्होंने यहाँ पर प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास वाली जो डब्बा होता है उसका टिकट ले लिया उन्होंने, यानी कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे की टिकट ले ली और उसमें वो जैसे ही चढ़ना चाह रहे थे, उन्होंने बैठना था क्योंकि टिकट उन्होंने कौन सी ले रखी थी, प्रथम श्रेणी की, तो वो उसमें बैठना चाह रहे थे, लेकिन चौथी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उन्हें रोक लिया गया उन्हें कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि अंदर बैठना अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये गोरा यानी कि अंग्रेज है, तो मना कर दिया जबकि अंग्रेज जा रहा है, तो उन्हें कह दिया गया है कि आप इस डिब्बे में यानी कि प्रथम श्रेणी डिब्बे में आप इससे सफ़र नहीं कर सकते, उन्हें रोक लिया गया। ठीक है, तो रोकने का कारण बताया कि काला गोरा, जो भी ये काला आप देख सकते हैं काला और गोरा, तो इससे ट्रेन के जो डिब्बे की एक खासियत थी या कह सकते रूल था, नियम था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग जा सकते थे, काले लोगों का जाना मना था। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये काले और गोरे लोगों से क्या मतलब है, काले यानी कि जिन्होंने नहाया नहीं है, मुंह नहीं धोया, गोरा यानी कि जो लक्स और नंबर वन और अनेक पता नहीं किन किन साबुनों से नहाते थे, तो काला और गोरे से क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें पिक्चर में कि इस डिब्बे में ट्रेन में एक खास नियम था कि वो काले लोग तो नहीं जाएंगे, गोरे लोग जा सकते थे। तो छठे पिक्चर में आप देखा कि गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने तो टिकट ले रखी है, अब मैं अगर जाऊंगा तो इसी ट्रेन के इसी डिब्बे से जाऊंगा, और वो अंदर घुस गए। लेकिन जैसे वो अंदर घुसे आप देख सकते हैं कि उन्हें दो ये गार्ड हैं, तो उन्हें गार्ड की सहायता से बाहर कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते, उन्हें बाहर धकेल दिया गया। और अगले पिक्चर में सातवें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सामान सहित उन्हें धक्का मार दिया और बाहर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं छठे पिक्चर में कि जो गांधी जी हैं यानी कि वकील गांधी, वो उनका सामान भी है उनके साथ है, वो बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अफसोस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई मैं काले गोरे को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद उन्हें बाहर धक्का मार दिया गया सामान के साथ, और ट्रेन जो है वो रवाना हो गई बिना गांधी जी को लिए, बिना वकील गांधी को लिए हुए। तो ये सातवीं है। और आठवीं पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो सोच रहे हैं, सोच में पड़ गए, और उन्होंने जो है फिर से एक नई जो उनमें क्रांति आई, एक विद्रोह की भावना जगी, उन्होंने कहा कि ये तो मानवता के साथ खिलवाड़ है, ये मानवता के साथ इंसानियत नहीं है, यानी कि इंसान को रंग के अकॉर्डिंग देखा गया, रंग के अकॉर्डिंग उन्हें बताया गया। तो वो जो है फिर आंदोलन में कूद गए, महात्मा गांधी बन गए, और इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने फिर से महात्मा गांधी की उपाधि दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फिर इस रूप में आ गए। तो ये एक कहानी थी, घटना थी, जिसने कि टाई वाले या वकील साहब जो हमारे गांधी जी थे, उन्हें यहाँ पे चरखा सूत काते हुए उन्हें इस तरह से बदल दिया, उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। महात्मा गांधी की इस सफ़र ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया और वो आज़ादी की लड़ाई में कूद गए, उन्होंने अनेक आंदोलन किए इस गोरे काले भेद को मिटाने के लिए। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो चलिए मैं आपको स्टोरी दिखा देता हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो ये कहानी है, मैंने आपके लिए कलेक्ट की है, बनाई हुई है, आप इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ये इसलिए क्योंकि आपको अगर वीडियो देखते देखते कहानी नहीं बन पाई तो यहाँ से आप कहानी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लगी वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने महात्मा गांधी के बारे में आज नया क्या सीखा आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नए वर्कशीट में, तब तक आप इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें।